दोस्तों सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल राज शर्मा इंदौरी को, बेल आइकन को दबाएं हमारे सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। लिया कोशिश की उसे अचीव करने की, एक साल, पांच साल, दस साल, सालों दिए उस सपने को पूरा करने के लिए, बट वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। बीच में लगा कि शायद ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, पता नहीं। इतना लंबा सफर हुआ तो कई बार जब लंबा सफर होता है तो एक मोटिवेशन डीमोटिवेशन में बदलना शुरू हो जाता है। एक आज से तकरीबन चार साल पहले एक फोन की घंटी बजी। वो फोन की घंटी किस्मत को बदलने के लिए थी बट एक्सेप्ट नहीं हुई। 2011 से 2014 नवंबर तक सफर और बढ़ गया। 2014 नवंबर में मिस्टर भरेल सबसे पहले हमारे एमडी सर के साथ मिले और इवन सर्वज्ञ के साथ पहली मीटिंग, क्योंकि इतने साल इस इंडस्ट्री में रह चुके थे। बातें हुई, तकरीबन दो घंटे डिस्कशन हुआ। दिसंबर में फिर मिले, जनवरी में फिर, और उसके बाद एक डिसीजन जो था पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए। मात्र पांच महीने जो अभी हुए वेस्टीज में, इसके आगे की जर्नी और इवन पीछे की भी जर्नी हम सब सुनना चाहेंगे मिस्टर भरेल की जुबानी। मैं जाऊंगा एक बार जोरदार ताली कमाल अभिमान। मुझे याद आ रहा है वो दिन, आज दिन बहुत कॉन्सिस्टेंट और बहुत इमोशनल मोमेंट है। 10 दिसंबर 2011 यही स्टेज, यही ऑडिटोरियम, यही साउंड, यही लाइट्स, सब कुछ बिल्कुल ऐसा। और मुझे शायद कुछ लोग यहां होंगे जिनको वो दिन याद होगा, और मैंने वहां एक बात कही थी, मैंने उस दिन एक बात कही थी, वो मैं आज बात दोबारा कहना चाहता हूं भाई दीपक, दोबारा मैं कहना चाहता हूं। मैंने उस दिन कहा था कि 12 साल हो गए हैं एक दुनिया की नामी ग्रामी कंपनी के साथ, और जो सपने हमने हमारे लिए और लोगों के लिए देखे थे शायद वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं। मैं ये जिम्मेदारी महसूस करता हूं इस टीम का अपलायन होने के नाते, किसी को तो नमक उठाना पड़ेगा। मैं लगातार एक घंटे तक ये बात की थी, और सरदार पटेल का वो कोटेशन मैंने पढ़ा था यहां पर इसी जगह कि मैं 30 करोड़ लोगों का ट्रस्टी हो गया हूं, वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे बंदूक रखनी पड़ेगी, मुझे तोपें रखनी पड़ेंगी, मुझे इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। पर गांधी जी कहते हैं कि रास्ता ठीक नहीं है। मैं गांधी जी की इज्जत करता हूं पर मैं उनसे कहता हूं आप बहुत महान हैं, मैं वहां तक नहीं जा सकता हूं जो आप सोचते हो, मुझे तो नमक उठाना पड़ेगा। 23 अक्टूबर को हमने डिसीजन किया कि हम यहां नहीं रहेंगे। 1 नवंबर को गौतम बाली जी का फोन आया कि हम मीटिंग कर सकते हैं। मैंने कहा सर सॉरी, हमारा डिसीजन तो हो चुका, हम फिर एक गोरों की कंपनी में जा रहे हैं। लेकिन चार साल हो गए, चार सालों में हमने ये जाना कि इस तरीके से काम नहीं होगा। 9999 बार एडिसन फेल नहीं हुआ था दोस्त, 9999 बार उसने ये जाना कि इस तरीके से बिजली नहीं बनेगी, तरीका कोई और अपनाना पड़ेगा। 2011 से लेके अप्रैल, मार्च अप्रैल 2015 तक सब कुछ किया, और हम हार तब तक नहीं मानते जब तक जीत नहीं जाते।
लोग तो बातें बनाते हैं, लोगों ने बातें बनाई। आपको पता है वेस्टीज ने मुझे 350 करोड़ रुपए दे दिए, नहीं पता आपको? लोगों ने बहुत बातें बनाई। मैं उनसे कहता हूं यार तुम 30 रुपए ले आओ किसी से, मेरी औकात 350 करोड़ की है तो ले लिए, तुम 30 रुपए तो ले आओ। इसलिए मैंने अपने नेटवर्क को बेच दिया। वेरी गुड, फैंटास्टिक। लोगों ने राम को नहीं छोड़ा, धोबी ने राम को निपटा दिया। कंस सगा मामा हो के सिर किसने के पीछे पड़ गया, तो फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूं? गांधी जी की स्वतंत्रता की प्राइज ये चुकानी पड़ी कि उन्हें अपनी मौत इस देश को इस बलिदान में देनी पड़ी। तो एसपी बारेल और फैमिली कौन सी खेत की मूली हैं? लोग तो कहेंगे, लोग तो कहते आए हैं, क्या फर्क पड़ता है लोगों को? लेकिन इस 5 महीने में लोग कहते हैं एसपी बारेल ने बहुत काम किया। सॉरी, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मेरी पूंछ में बहुत तेज आग लग रही थी और मुझे ये प्रूव करना था इस दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने और लोगों के सामने कि वी आर इन द राइट प्लेस विद द राइट कंपनी विद द राइट प्रोडक्ट विद द राइट सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान विद द राइट काइंड ऑफ द मैनेजमेंट। ये प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका इन जस्ट 5 मंथ। और मजे की बात, विद द राइट इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड कंपनी। मैंने बहुत तजुर्बा है मेरे पास इंडस्ट्री का, जहां भी गए ऊंचाई हासिल की। हर एक आदमी ये कोशिश करता है कि घुंडियां लगा दो, कैसे पैसा रोका जा सके, लेकिन वेस्टीज इस चीज में माहिर है कि कैसे लुटाया जा सके। अब जो सफलता है ये आपकी सफलता है, आपकी सक्सेस है, आपकी जर्नी है। अभी तो मंजिल शुरू हुई है दोस्त। एसपी भारेल एंड फैमिली, सर्वज्ञ संध्या, हम तैयार हैं आपके लिए एक एक उस वेस्टीज के उस डिस्ट्रीब्यूटर की सक्सेस और सफलता के लिए जो ये चाहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया को ये दिखा देना है कि हमारा डिसीजन सही है और वेस्टीज दुनिया में इतिहास में अपना नाम ऊंचा लिखने वाली है। और ये काम तो हो चुका, हो चुका। आप तैयार हैं? पक्का? सोच लो ठाकुर, फिर अमीर बनना पड़ेगा तुमको, ठीक है? श्योर। थैंक यू वेरी मच।